भारत का सर इनमें से स्वागत है सर की 2030 सर हम लोग का जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है सर उसका 40% सर हम लोग का रिन्यूएबल एनर्जी तरह थ्रू प्रोड्यूस सर सर इस रिन्यूएबल एनर्जी में सर जो मेन शेयर जो रहेगा सर सोलर एनर्जी का रहेगा सर। लेकिन सर सोलर एनर्जी का सर एक बैकड्रॉप होता है कि सर हम इसको सर सर नाइट टाइम सर इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना इसको कंज्यूम कर सकते हैं सर। उसी बैकड्रॉप सर ओवरकम करता है सर मेरा प्रोजेक्ट सर। सर इसमें सर प्रोजेक्ट का सर मॉडल क्या है सर कि सर मान लीजिए सर हम लोग की टोटल नीड का सर जो हम लोग की नीड है सर मान लीजिए सर 10 GW है तो सर दिन और रात का जो कंजप्शन सर एनर्जी का है वो 10 GW है। तो सर क्या करेंगे सर कि जब सोलर एनर्जी से हम लोग डे टाइम में ही सर 10 GW एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो सर 5 GW होगा हम लोग सर डायरेक्टली करते घर को ट्रांसमिट कर देंगे और सर जो रिमेन जो 5 GW बचता है सर हम लोग उसको सर पंप में ट्रांसफर करेंगे। सर पंप में ट्रांसफर करने के बाद वो पंप जो है एक हाइट पे उस पानी को उस पंप के थ्रू हम लोग पानी को चढ़ाएंगे और जब पानी वहाँ चढ़ जाएगा तो उसको हम लोग छोड़ेंगे। तो सर जब रात होगी तो सर रात तक वहाँ पानी स्टोर रहेगा सर। उसके बाद जब रात में हम लोग को जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ से पानी को छोड़ेंगे जिस वजह से टर्बाइन स्पिन करेगा और सर टर्बाइन स्पिन करेगा उसी तरह इसके थ्रू हम लोग को एनर्जी प्रोड्यूस होगी सर। इसके द्वारा सर क्या होगा कि सर जो सोलर एनर्जी का सर जो मेन बैकड्रॉ है उसको सर हम लोग ओवरकम कर पाएंगे और सर यही मेरा सर मॉडल है सर। डेमोन्स्ट्रेशन सर आप देखिए सर जब ये पानी गिर रहा है इस वजह से सर एलसीडी प्रोड्यूस हो रही है कंटिन्यूअसली और ये सर नाइट टाइम का सीन है कि नाइट टाइम में कैसे क्या होगा कि जब नाइट टाइम में हम लोग के पास एनर्जी नहीं रहेगी मतलब सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं रहेगी तो सर इसी वाटर की जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके एज अ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर पाएंगे सर। ये सर मॉडल है और सर बाद में सर इसी पंप के थ्रू इस वाटर को ऊपर दोबारा पहुँचा करके डायरेक्ट कंज्यूम कर लेंगे।